आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए। टाइगर के बर्थडे पर उनके बारे में बताएंगे कई दिलचस्प बातें। कार्तिक ने किस मूवी सेट से अपनी तस्वीर की शेयर, क्यों हिमांशी और आसिम की ब्रेकअप की खबरें आने लगी है सामने, किस स्टार किड की बॉलीवुड में होने वाली है एंट्री और कंगना कैसे फंस गई एक बार फिर मुश्किल में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। टाइगर का जन्म 2 मार्च 1990 को हुआ था। तो चलिए आज आपको टाइगर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बागी 3 के अभिनेता का असली नाम टाइगर नहीं है, उनका नाम जय हेमंत श्रॉफ है, लेकिन उनके पिता जैकी श्रॉफ बचपन से उन्हें टाइगर के नाम से बुलाते थे। ऐसे में जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने खुद का नाम बदल कर टाइगर रख लिया था। टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती से के साथ 2014 में अपने एक फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। टाइगर डांस के शौकीन हैं और फिटनेस फ्रीक भी हैं। इस फिल्म में टाइगर के डांस ने युवाओं का दिल जीत लिया था, जिस वजह से टाइगर अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों मनाली में अपनी अगली फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने शूटिंग के दौरान कई वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किए हैं। अब उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 की नाइट शूटिंग के दौरान एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो क्लैप बोर्ड के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में एक्टर कार्तिक आर्यन का नया लुक देखने को मिला है, जो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही कार्तिक ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नाइट कैमरा एक्शन। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो स्नोफॉल का मजा लेते हुए नजर आ रहे थे। उनके इस वीडियो के बैकग्राउंड में गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। बिग बॉस 13 के फेमस कपल हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के ब्रेकअप की खबरें बेहद चर्चा में हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था आसिम के लिए हिमांशी ने अपना 9 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। दरअसल दोनों स्टार्स के ब्रेकअप की खबरों को हवा तब लगी जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही दोनों ने वो सभी फोटोज डिलीट कर दी जिसमें ये कपल एक साथ नजर आ रहा था। बिग बॉस 13 में आसिम और हिमांशी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। दोनों की बढ़ती नजदीकियों की वजह से हिमांशी का 9 साल पुराना रिश्ता भी टूट गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। बॉलीवुड में अब एक बार फिर एक स्टार किड की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की। अहान फिल्म तरफ से बतौर अभिनेता इस साल बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और रिलीज डेट को अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए रिवील किया है। अक्षय ने पोस्ट में अहान के नाम एक भावुक संदेश भी लिखा है। तड़प का निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जबकि निर्माता साजिद नाडियाडवाला है। फिल्म में आहान के साथ तारा सुताया फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। पोस्टर पर आहान तारा को गले लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन आहान का चेहरा पोस्टर में नहीं दिखाया गया है। पोस्टर के साथ अक्षय ने लिखा, आहान तुम्हारे लिए बड़ा दिन। मुझे अभी भी तुम्हारे पिता सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान का पोस्टर याद है और आज मैं तुम्हारी पहली फिल्म का पोस्टर पेश कर रहा हूं। बता दें ये फिल्म सिनेमाघरों में 24 सितंबर को रिलीज होने वाली है। विवादों और कंगना का तो पुराना नाता है, या ये कह लीजिए जहां विवाद हो वहां कंगना ना हो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फिर कंगना रनौत मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ वारंट जारी किया है। दरअसल कुछ समय पहले जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कंगना पर आरोप था कि उन्होंने जावेद पर गलत आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की है। हालांकि कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।